कैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले तो एमएस आउटलुक होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। एमएस आउटलुक एक आपका ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी ईमेल्स को ऑफलाइन कंप्यूटर्स पे देख सकें, रीड कर सकें, या फिर हम ऑफलाइन मेल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे सो हमारी वो मेल्स आपकी सेंड हो जाएंगी। सो बेसिकली हमारे लिए टास्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान। हमें कोई भी मेल क्रिएट करने के लिए बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और इसमें बहुत अच्छी खास बात है, जिससे ग्रामेटिकल एरर्स आपके होते हैं उसको भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एमएस ऑफिस का फीचर है। सो इसमें ग्रामर चेक एंड स्पेलिंग चेक्स भी दिया हुआ है। सो आज की क्लास में कैसे सीखेंगे इसको कॉन्फ़िगर करना, अपनी जीमेल की आईडी को कैसे आप एमएस आउटलुक में कॉन्फ़िगर करेंगे, या फिर इसका बैकअप कैसे लेते हैं अगर हमारे पास पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। सो हमारी इंपॉर्टेंट मेल है, पीसी को फॉर्मेट करने जा रहे हैं तो हमें उसको बैकअप कैसे लेना है, ये बात भी सीखना होगा। नाउ अगर हमने बैकअप कर लिया है या हमारे पास .pst फाइल पहले से है तो उसको हम एमएस आउटलुक में कैसे रिस्टोर करेंगे, एंड मेरी मोर थिंग्स जो कि बेसिकली ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं एमएस आउटलुक में, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एमएस आउटलुक कॉन्फिगर करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एमएस आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन विथ बैकअप एंड रिस्टोर। सो फॉर दिस थिंग नंबर एक हमारे पास वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए एमएस आउटलुक मस्ट बी इंस्टॉल्ड। मैं आउटलुक आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो सर्वर है, एक हमारे पास इन कॉमिंग इनकमिंग मेल सर्वर एड्रेस एंड पोर्ट नंबर होना चाहिए। सेकेंड आउटगोइंग मेल सर्वर एंड पोर्ट नंबर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन फॉर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपका अगर आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। सो ये बेहतर होगा कि आपको पहले से इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्वर का एड्रेस एंड पोर्ट नंबर पता हो। अगर ये आपको पहले से पता है तो हम
डायरेक्ट एमएस आउटलुक में जाकर के इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एड्रेस नहीं है तो हमें जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उस पे जाना होगा, और कभी कभी ये प्रॉब्लम भी करता है। सो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं। मेरे पास एमएस आउटलुक है, अभी ये आपको पता है मेरे पास विंडोज 8 यहाँ पर है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, या फिर आप सर्च में सर्च कर सकते हैं आउटलुक, यहाँ पे आउटलुक आपका आ जाएगा। और हम आउटलुक ओपन करेंगे यहाँ से। अगर आप फर्स्ट टाइम एमएस आउटलुक कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो आपसे ये जैसे ही ओपन करेंगे वैसे ही पूछेगा कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये मेरे पास पहले से एमएस आउटलुक है और मुझे इसका सबसे पहले बैकअप लेना होगा। सो बैकअप कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए आपको फाइल पे जाना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू फाइल सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हमें सारी मेल्स जो हैं एक्सपोर्ट करनी होंगी, नेक्स्ट करेंगे। इसका एक्सटेंशन जो होता है .psd पर्सनल फोल्डर फाइल, जो बैकअप का एक्सटेंशन होता है एमएस आउटलुक में, ये सिलेक्ट करना होगा आपको, नेक्स्ट करेंगे। आप किसका बैकअप लेना चाहते हैं, यहाँ पे हम पर्सनल फोल्डर सिलेक्ट करेंगे और इंक्लूड सब फोल्डर मींस कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, डिलीट आइटम्स, ईच एंड एवरीथिंग, सभी यहाँ पर बैकअप आपके हो जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। सो मैं ये आपका डॉक्यूमेंट में या मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, या कोई भी ड्राइव आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्चुअल ड्राइव सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ पर, और इसका नाम है यहाँ पर बैकअप। एफ ड्राइव में हमने सेव किया। आप बैकअप फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, और मैंने ये ओके कर दिया। थोड़ा से अभी आपको वेट करना होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ काफी सारी मेल्स हैं यहाँ पर। ये टाइम आपका डिपेंड करता है कि कितनी मेल्स आपकी आउटलुक में स्टोर्ड हैं। सो वी नीड टू वेट। आई थिंक बैकअप हो गया है, चेक कर ले रहे हैं आपका वर्चुअल स्टोरेज में। जी हाँ, 277 MB का ये फाइल है, बैकअप नाम से आ गया है मेरे पास। अब मैं ये आपकी सारी मेल्स डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये सारी मेल मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ डिलीट कर दी। आप देख रहे हैं ना ही यहाँ डिलीट में भी नहीं है। मैंने ए टू जेड सारी मेल यहाँ पर डिलीट कर दी है। अभी सारी मेल्स आपकी डिलीट हो चुकी हैं। अब मुझे इसको वापस लाना है। सो बैकअप हमारे पास है। सबसे पहले अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, या फिर ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम बैकअप हमने किया है रिस्टोर करना सीख लेते हैं। डेटा फाइल मैनेजमेंट पे गए यहाँ पर, सॉरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आप इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे आएगा पर्सनल फोल्डर डॉट पीएसटी। ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे आपने बैकअप रखा है। सो वर्चुअल स्टोरेज में हमने बैकअप रखा हुआ है बैकअप नाम से, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इंपोर्टिंग हो रही सारी मेल्स आपकी, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी मेल्स वापस आ गई हैं। सो इस तरीके से हम बैकअप एंड रिस्टोर माइक्रोसॉफ्ट एमएस आउटलुक का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको नया ईमेल ऐड करना हो एमएस आउटलुक में वो कैसे करेंगे। अकाउंट सेटिंग आपको जाना है, अकाउंट सेटिंग में ये ईमेल आईडी मेरे पास पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास इसमें कोई मेल आईडी नहीं है, मुझे न्यू मेल आईडी इसमें कॉन्फ़िगर करना है। सो यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास विंडो आ जाएगा। यहाँ पे अपना आपको नाम देना है, अपना ईमेल आईडी, और आपको अपना पासवर्ड देना होगा। जिस समय आप ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उस समय मेक श्योर दैट आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। आपकी ईमेल आईडी सर्च होगी सबसे पहले, और उसके बाद से जो भी आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्वर की सेटिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिक इंटरनेट से टेक ओवर कर लेगा। बट अगर आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है सो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्वर का एड्रेस होना चाहिए। ये हम फिनिश कर दे रहे हैं, सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर क्लोज। और जैसे ही आप सेंड रिसीव पे क्लिक करेंगे जो भी आपकी न्यू मेल्स होंगी वो आना आपकी, जैसे मेरे पास एक टेस्ट मेल आ चुकी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना हो सो वो हम कैसे करेंगे, इसी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी हम चेक कर ले रहे हैं। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये पोर्ट नंबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने पोर्ट नंबर करेक्ट किया तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सो ये हम करके देखते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा मैनुअल कॉन्फ़िगर सर्वर सेटिंग और एडिशनल सर्वर टाइप, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अगर एक्सचेंज सर्वर तो एक्सचेंज सर्वर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका इंटरनेट मेल है पब्लिक ईमेल आईडी है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बंदे का नाम टाइप करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप कैटल में ही टाइप करें, वैलिड ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस है, अकाउंट टाइप पॉप, इनकमिंग में आपका pop.gmail.com एंड आउटगोइंग सर्वर में smtp.gmail.com। अकाउंट का पासवर्ड आपको देना होगा जो भी है, पासवर्ड रिमेम्बर पे टिक करना है जिससे आपका पासवर्ड बार बार पूछा ना जाए, या फिर अगर आप ये टिक नहीं करेंगे तो बार बार आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। सिक्योर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे आपको टिक करना है, मोर सेटिंग पे जाना है, ये आपका ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। आउटगोइंग सर्वर पे आपको एसएमटीपी माय आउटगोइंग एसएमटीपी रिक्वायर ऑथेंटिकेशन पे टिक करना होगा। कनेक्शन
ऑटो डिटेक्ट है, लैन पे है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई स्पेसिफाइड कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस पे आना है आपको, एडवांस पे एसएसएल पे आपको टिक करना है। जैसे एसएसएल पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका इनकमिंग पोर्ट नंबर 995 ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसएमटीपी बाय डिफॉल्ट 25 है, आप 465 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज किया है। और ये रहा आपका मैसेज की सेटिंग कि आप अगर सर्वर या आपने पब्लिक ईमेल एड्रेस से या ऑनलाइन अकाउंट से मैं इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो कितने दिन पे है। सो अभी मैं इसको सेटिंग नहीं कर रहा हूँ। ओके हमने किया, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन इसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। पॉप थ्री आपका कंप्लीटेड है, सेंड टेस्ट ईमेल मैसेज ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो ये हमने सक्सेसफुल ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर दिया है। हमने दोनों तरीके से देख लिया कि मैनुअल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ऑटोमेटिक कैसे कॉन्फ़िगर होता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी यहाँ पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ईमेल एमएस आउटलुक में। बेसिकली प्रॉब्लम्स इनकमिंग या आउटगोइंग सर्वर की एड्रेस की आती है या फिर पोर्ट नंबर मैच नहीं करता है, इससे रिलेटेड आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और पब्लिक आईडी का यूज कर रहे हैं, मीन्स जीमेल का यूज कर रहे हैं या फिर याहू का यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी पब्लिक ईमेल आईडी का यूज कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ईमेल से आपका ये एमएस आउटलुक के लिए अलाउड हो, अदरवाइज आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। सो एमएस आउटलुक में बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है, मैं जीमेल में इसको आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन करना है माय अकाउंट पे। साइन इन करना होगा। साइन इन सिक्योरिटी में आपको आना है। साइन इन सिक्योरिटी में सबसे नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको आएगा एक ऑप्शन अलाउ लेस सिक्योर एप्स, दिस ऑप्शन मस्ट बी ऑन। ये आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं सो एमएस आउटलुक में आपकी ईमेल आईडी कॉन्फिगर्ड नहीं होगी। सो मस्ट चेक दिस ऑप्शन मस्ट बी ऑन इन योर ईमेल आईडी। एक तो आपको यह सेटिंग चेक कर लेनी होगी। अगर हमें अपने ईमेल से कॉन्टैक्ट्स एमएस आउटलुक में ऐड करने हैं तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं। यहां पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट्स, मोर पे आते हैं। ये रहा कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि बार बार ईमेल आईडी को याद करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और अगर आप एमएस आउटलुक में कॉन्फ़िगर करते हैं ईमेल आईडी को सो जितनी बार आप कॉन्फ़िगर करेंगे उतनी बार आपको कॉन्टैक्ट्स ऐड करना पड़ेगा। सो ये एक बेहतर सोल्यूशन है कि आप
कॉन्टैक्ट्स को सेव कर लें, और जब भी हम न्यू कॉन्फ़िगरेशन करें एमएस आउटलुक का, और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जैसे हम बैकअप करते हैं, वैसे ही ईमेल्स को भी या कॉन्टैक्ट्स को भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा, आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा से। ऑल कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं यहाँ पर। ऑल कॉन्टैक्ट्स मोर पे आते हैं। Go to old contacts. और यहां पर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सॉरी हमें एक्सपोर्ट करना है। हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन आउटलुक सीएसवी फॉर्मेट फॉर इंपोर्टिंग इनटू आउटलुक और अनदर एप्लीकेशन। जी सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑल कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 239 कॉन्टैक्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट कर देना है। ये आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, सो फोल्डर, ये रही आपकी कॉन्टैक्ट फाइल। अब इसको हम एमएस आउटलुक में कैसे लाएंगे, अभी हम देखते हैं। यहां पर टूल्स, एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में अभी यहां पर कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है, सो फाइल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करना है हमें। यहां पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विंडोज सिलेक्ट करना होगा आपको, ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे, हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड में है, कॉन्टैक्ट्स, ओके करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। हमने इंपोर्ट कर लिया है, चेक करते हैं अभी टूल्स, एड्रेस बुक। आई थिंक यहां पे कुछ मिस्टेक्स हुआ है, चेक कर ले रहे हैं यहां पर क्या दिक्कत हुआ है। आई थिंक वी डिड दिस सम मिस्टेक्स, सो एक बार फिर से इसको हम करते हैं, फाइल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम अदर प्रोग्राम और फाइल, नेक्स्ट करना है, यहाँ कॉमा सेपरेटेड विंडोज वैल्यू, नेक्स्ट, ब्राउज करना है आपको, ओके करना है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना होगा, कॉन्टैक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
और कॉन्टैक्ट्स में हमारी ये सारी चीजें। सो नाउ अगेन चेक करते हैं एड्रेस बुक। अब यहां देख रहे हैं सारी ईमेल आईडी आपकी आ गई है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर दिस इज द वे हाउ यू कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईमेल आईडीज फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट टू योर एमएस आउटलुक। नाउ इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर एमएस आउटलुक, लोकली आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जब आप इसको कंप्यूटर पे लोकली ओपन करते हैं तो विदाउट पासवर्ड ओपन हो जाता है ये प्रोग्राम। सो अपने दूसरे अपने लोकल कंप्यूटर भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल, डाटा फाइल मैनेजमेंट, सेटिंग एंड यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है चेंज पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। और हमने ओके कर दिया। नाउ अगेन चेक करते हैं हम एक बार लॉग ऑफ करके देख रहे हैं।